आपकी वेबसाइट में FAQ सेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका लॉजिक ये है कि हम अपने कस्टमर से और अपने यूज़र से बात किए बिना उनके कई सवालों का जवाब दे देते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने वेबसाइट में ऐसे, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आप कुछ कॉमन क्वेश्चन जो यूज़र्स के होते हैं रिसर्च करके ज़रूर ऐड करें। तो मेरा नाम अबूजर मोमिन और मैं वर्डप्रेस और एलिमेंटर से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरह से FAQ सेक्शन को एलिमेंटर में क्रिएट करेंगे और डिज़ाइन करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक भी करना। वीडियो शुरू करने के लिए हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड पर। तो उसके लिए हम जाएंगे हम अपने एलिमेंटर एडिटर में, किसी भी पेज को ओपन कर लेंगे जहाँ में FAQs क्रिएट करने लाइक मैं रिव्यूज़ में क्रिएट करके दिखाता हूँ अभी। यहाँ एक न्यू सेक्शन क्रिएट करेंगे कंटेनर, यहाँ हम सर्च करेंगे अकॉर्डियन, इस विजेट का यूज करना है। यहाँ पर हमें टाइटल देना है, मतलब हेडिंग देना है। उसके बाद फिर यहाँ अंडर, यहाँ पर हेडिंग नज़र आएगी, अभी नज़र नहीं आ रही, उसका कलर चेंज करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हेडिंग होगी हमारी। आपको मेरी वेबसाइट से कुछ FAQs ऐड करके दिखाता हूँ। ये हमारी हेडिंग हो गई और ये हमारा कंटेंट आंसर, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर। और इसके अंदर हम, ये पूरा कंटेनर है, इसके अंदर हम इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करूँगा, पेस्ट, सेकंड के लिए क्वेश्चन, इसमें हमने दो कॉलम लिया, मतलब दो कंटेनर लिया, एक मेन कंटेनर, दो चाइल्ड कंटेनर। इसकी वेट थोड़ी कम करेंगे, इसमें हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट रीडर और अपना कंटेंट, ये बिल्कुल सिंपल है। और फिर इसमें इमेज और कंटेंट को सेंटर एक लग रहा है, और थर्ड के लिए यहाँ से कुछ ले लेते हैं। पेस्ट, ये आंसर, पेस्ट। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, मैं आपको इसको डिज़ाइन करना बताता हूँ। ये बैकग्राउंड है और होवर बैकग्राउंड ही होता है। अभी आप देख सकते हो इस पर जब मैं माउस लेकर जा रहा हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इस पर होवर पे हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे,
आप देख सकते हो आप यहाँ पर ओवर पे बैकग्राउंड ऐड हो चुका है। और जो कंटेंट है, कंटेंट का कलर, कंटेंट मतलब ये, इसका कलर भी हम सेकेंडरी रखेंगे ताकि इससे मैच हो और थोड़ा और डार्क कर देंगे। ये हेडर कलर है, टेक्स्ट का जो कलर है उसको वाइट करेंगे या ब्लैक ही करेंगे, पर होवर पर वाइट करेंगे। और एक्टिव पर भी वाइट करेंगे, नॉर्मल में ब्लैक, ताकि ठीक से दिखे। तो इस तरह से FAQ सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं। आप इसमें इसके आइकॉन वगैरह को भी चेंज कर सकते हो, आपको टाइम लगाओगे तो बहुत कुछ कर सकते हो इसमें। लाइक मैं इस आइकॉन को सेलेक्ट कर लूँगा अभी, तो आपने देखा इसका आइकॉन भी चेंज हो गया। और जो क्लोज आइकॉन है उसके लिए भी हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो आप देख सकते हो अभी है। तो इस तरह से आइकॉन वगैरह भी चेंज कर सकते हो। और इस तरह से दो लाइन में करना है तो उसके लिए हम इसे डुप्लीकेट करेंगे सिंपली, और मेन कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से कर देंगे। पैरेंट कंटेनर पैडिंग ऐड कर देंगे, कंटेनर तो इस तरह से FAQ सेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। आपको जैसा डिज़ाइन करना हो आप और भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, और भी जैसा आपकी पसंद हो, जैसे आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन हो आप उससे मैचिंग कर सकते हैं। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हुई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।